हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 7 में से सेक्शन 96 से सेक्शन 104 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 96 कहता है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफिचर। अब इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 95 में पढ़ा गया, जो 95(1) में बताया गया कि हम किसी चीज को जो अनलॉफुल है उसको किसी में प्रकाशित कर दिया गया, उसकी सारी प्रतियों को डिक्लेयर करके उसको जमा कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, तो उसमें से क्या होगा कि उस ऑर्डर के 2 महीने के भीतर क्या जो 95 में ऑर्डर दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है या ये न्यूज़पेपर है या ये कोई बुक्स है या अदर चीज है, इनमें गलत चीजें उसमें प्रिंट हो गई या ऐसी चीजें जो समाज विरोधी हो सकती है उनको सीज कर दिया जाए, उनकी प्रतियां जब्त कर ली जाए, तो उनमें से कहा गया कि उस आदेश के, उस डिक्लेरेशन के 2 महीने के भीतर, अंडर 2 मंथ्स, 2 महीने के भीतर फाइल रिट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके 2 महीने के भीतर हाई कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है और उस ऑर्डर को जो 95(1) के तहत किया गया कि सारी प्रतियों को जब्त कर लिया जाए उसके खिलाफ में डिक्लेयर करा सकते हैं कि वो ऑर्डर गलत था। और ये जो ऑर्डर गलत, अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई में जो बात करी गई वो अनलॉफुल नहीं थी, वो गलत नहीं थी, तो कोर्ट क्या करेगा, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। लेकिन इसको सुनने के लिए कहा गया कि बाय द 3 जजेस हियरिंग, जहां पर जिस ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये व्यवस्था है कि वहां मैक्सिमम 3 जजेस या 3 जजों की बेंच है, तो वहां इस ऑर्डर को, इस जो डिक्लेरेशन है उसको कैंसिल करने के लिए 3 जजों की बेंच उसमें से उसको सुनवाई करेगी और उसमें से मैक्सिमम, मतलब 2 अगर जज एक पक्ष में निर्णय दे देते हैं तो वो मान्य होगा, या 3 जज एक पक्ष में निर्णय दे देते हैं तो वो मान्य होगा। और यदि जहां पर 3 जजों की व्यवस्था या 3 जजों के बेंच की व्यवस्था नहीं है, वहां पर क्या होगा, स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच उस केस की, उस डिक्लेरेशन के विरुद्ध सुनवाई करेगी और वो अगर ऐसा पाती है तो वो भी कैंसिल कर सकती है। अब इसके लिए क्या करना है पड़ेगा कि जो हमारा सीज किया गया उसकी 1 कॉपी एज एविडेंस कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये हमें सेक्शन 96 में कहा गया। अब सेक्शन 97 कहता है, सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। ये सेक्शन 97 और 98 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ज्यादातर लोगों इसको क्लियर नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड, गलत तरीके से, गलत ढंग से किसी व्यक्ति को बंधक बना लिया गया, विद विरुद्ध तरीके से किसी को बंधक बनाया गया, तो क्या करेगा, क्या किया जाएगा, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर या SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये 3 लोगों में से इफ बिलीव, यदि उनको विश्वास हो जाता है कि वाकई में वो पर्सन जो है वो गलत, रॉन्गफुली कन्फाइंड है, गलत ढंग से बंधक बनाया गया है, तब फिर क्या करेंगे, ही में इश्यू ए सर्च, वो एक सर्च वारंट जारी करेंगे और उस सर्च वारंट में अगर वो पर्सन पाया जाता है एंड पर्सन हुम वारंट इश्यू, जिसको ये पर्सन, जिसको व्यक्ति को ये वारंट इशू करा गया, वो उसको लेकर के जाएगा और वहां पर सर्च करेगा और यह अगर वहां पर वो पाता है उस व्यक्ति को, वो ला करके तुरंत जिस अधिकारी ने ये ऑर्डर जारी किया उसके सामने उसको प्रस्तुत करेगा। अब इसमें उसको ये भी दिया गया कि वो किसी भी जो उसको आवश्यक बल प्रयोग हो वो भी करके वो उसे ला करके वहां पर प्रस्तुत कर सकता है, जैसे SDM ने, DM ने या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, जिसने उस आदेश को पारित किया उसके सम्मुख ला करके प्रस्तुत करेगा। अब इसी में सेक्शन 98 कहता है, पावर टू कंपेल
रिस्टोरेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एब्ड्यूसिटेड फीमेल, मतलब अपहरत महिला, जो अपहरत महिला है अगर उसको किसी उसमें बंधक बना दिया गया, जो उसको बंधक बनाया गया तो उसमें पावर है इनको कि उसको तुरंत रिलीज कराएं अगर उनकी कोई शिकायत या एप्लीकेशन या जानकारी ऐसी उनको मिलती है। किसको किसको? डीएम को, एसडीएम को या फर्स्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। तो इसमें कहा गया अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वुमन, जो विध विरुद्ध तरीके से किसी महिला को बंधक बनाया गया या जो बच्ची 18 साल से कम है और फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स, द एसडीएम डीएम द डीएम एसडीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू इमीडिएट रिस्टोरेशन, जो उन रिस्ट्रिक्ट जो उनको तुरंत आदेश देगा कि उनको तत्काल उसको बंधन से मुक्त किया जाए, उसको जो जबरदस्ती उसको बंधक बनाया गया उससे मुक्त किया जाए एंड कंप्लायंस और उसकी कंप्लायंस करवाएगा। मतलब जब वो पाई जाती है तो उसको तत्काल जिस अधिकारी ने ये सर्च वारंट या उसको लाने का आदेश दिया उसको तुरंत कंप्लायंस करेगा और ला करके वहां पर प्रोड्यूस करेगा, वहां प्रस्तुत करेगा विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी। और ये ऑर्डर करने के लिए, मतलब इसका कंप्लायंस करने के लिए, उस महिला को लाने के लिए अगर जितने जो बल की आवश्यकता होती है, जो उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, उतनी कार्रवाई वह व्यक्ति करेंगे, वह पुलिस अधिकारी करेंगे और उसको ला करके प्रस्तुत करेंगे जिस अधिकारी ने सर्च वारंट या उसको लाने का आदेश किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा पावर इसमें 98 में दिया गया, किसको? डीएम मजिस्ट्रेट और डीएम एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको आदेश दिया गया कोई महिला या कोई नाबालिग बच्ची कहीं पर बंद है तो उसको, और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है या ऐसे एप्लीकेशन कोई डाला जाता है तो उसको तुरंत आदेश देगा और इमीडिएट उसको छुड़वाएगा, छुड़वा करके अगर कोई बल का भी प्रयोग करना पड़ता है तो उसको करके उसको ला करके प्रस्तुत करेगा। अब इसमें चैप्टर 7 के सी पार्ट में जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज, जो सामान्य नियम है खोजने के उनके बारे में बताया गया। सेक्शन 99 कहता है डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंटेड वारंट, वारंट्स में जो डायरेक्शन है वो क्या होंगे अंडर सेक्शन 38 70 72 74 77 78 एंड 79, इन सेक्शंस में है। तो फॉलो इन सेक्शन 93 94 95 एंड 96 97। तो जो 96 93 94 95 और 97 सेक्शन के प्रोविजंस हैं, उन सेक्शन के प्रोविजन किसके तहत? अंडर इन सेक्शन के तहत 38 70 72 74 77 78 एंड 79 सेक्शन के तहत, मतलब ये मिला करके ही इन्हीं के तहत वो किया जाएगा सर्चेस, जो सर्च वारंट होंगे, मतलब इनके नियम उसमें फॉलो होंगे। अब सेक्शन 100 कहता है पर्संस इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, जो ऐसी कोई जगह है जहां पर बंद है, जहां पर बंद है, किसी का घर है, किसी का टेंट है, जहां पर कवर्ड है, कवर्ड में क्या करेगा कि सर्च वारंट कैसे होगा? तो इन्होंने कहा एनी क्लोज्ड प्लेस वेयर सर्च and produced warrant of search he allow him free ingress there to, अगर कहीं पर ऐसा कोई closed place है और उस closed place में warrant जारी किया जाता है कि यहाँ पर search किया जाएगा तो जो उसका मालिक होगा, जो उसका जिसके under में वो जो closed place है वो होगी, तो उसको वो तुरंत उसमें search करने के लिए इंग्रेस देयर टू, उनको तुरंत सर्च करने के लिए उसको देगा, उसको खोलेगा और खोल करके उसको सर्च करने देगा अधिकारी को जिसको सर्च वारंट लेकर के जा रहा है। और एंड प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज, जो और उसको जितनी सुविधाएं होंगी, सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए या कमरा खोलने के लिए, अंधेरा है तो रोशनी चाहिए, जो भी चीजें उसकी आवश्यकता है उनकी वह उपलब्धता कराएगा। कौन? जो उसका मालिक होगा या जिसके अंडर में वो कवर्ड प्लेस होगी,
ये बात इसमें कहा वो उसको अगर, और फिर कहा इफ इंग्रेस कैन नॉट ऑब्टेन्ड देन इंटर अंडर सेक्शन 47 सब क्लास 2 सच सर्चेस इन फ्रंट ऑफ टू विटनेसेस। अब अगर मान लेते नहीं जाने देता है वो व्यक्ति या अवरोध करता है, रोक करता है, तो फिर क्या होगा अंडर सेक्शन 747 सब क्लास 2 के तहत वो बल का प्रयोग कर सकता है, बल का प्रयोग करके या खिड़की तोड़ सकता है या ताला तोड़ सकता है और वहां पर प्रवेश करके वहां का सर्च कर सकता है। लेकिन ये कार्य क्या होगा कि वहां के दो लोगों के सामने किया जाएगा, जो दो लोग होंगे वो विटनेस होंगे और उनके सामने किया जाएगा, और लास्ट में क्या होगा उन दोनों विटनेसों का फुल एड्रेस के साथ, फुल आइडेंटिफिकेशन के साथ में उनको क्या किया जाएगा, उनका सिग्नेचर कराया जाएगा, उनको हस्ताक्षर किया जाएगा, उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे कि इन लोगों के सामने ये चीज सर्चेस की गई है। ये इसमें सेक्शन 100 में कहता है कि सर्च कैसे होगा जब कोई बंद प्लेस है तब। अब सेक्शन 101 कहता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। जो अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने वो उसका सर्च करने को ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर उसके ज्यूरिडिक्शन, उसके अगर उसने उसके ज्यूरिडिक्शन से कोई चीज जिसमें उसने सर्च करने दिया और पता चलता है कि उसका जो एविडेंस है वो उसके क्षेत्र से बाहर है, मतलब जहां तक उसका क्षेत्र आता है, जहां तक उसका पावर है काम करने का, उसके क्षेत्र के बाहर वो चीज पाई जाती है और सर्च वारंट जारी है, तो वो अधिकारी जो सर्च कर रहा है वो वहां पर जाएगा और जाकर के वो जो चीज सर्च कर रहा है उसको मिलती है, तो मिलने के बाद क्या करेगा कि अगर जिस कोर्ट ने जारी किया है क्या सर्च वारंट, तो उसको वो तुरंत ला करके देगा। सपोज करते हैं कि वो दूर है, इतनी दूर है कि वहां से तुरंत उसमें पहुंचा नहीं जा सकता, और उसके करीब में जो भी मजिस्ट्रेट होगा जिसका क्षेत्र वो लगता होगा अगर वो पास में है तो पहले उस चीज को उस मजिस्ट्रेट के पास में करेगा, ले जाएगा और उस मजिस्ट्रेट से प्रस्थांकन करवाएगा, ऑर्डर करवाएगा, और उसके बाद जिस मजिस्ट्रेट ने उसको जारी किया ऑर्डर को वो चीज वहां ले जा करके प्रस्तुत करेगा। ये बात इन्होंने कही कि और इसमें इस कार्य को करने में वो कोई डिले नहीं करेगा, अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में उसको प्रस्तुत करता है तो ये हो जाएगा कि उसका जो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है कि बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन में वो चीज पाई गई तो वहां के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर दिया, और वहां के मजिस्ट्रेट के बाद में आदेश करा करके वो फिर यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास में ले आया। अब इसका चैप्टर 7 का सब क्लॉज डी कहता है कि मिसलिनियस जो है, मिसलिनियस क्या क्या है। अब उस मिसलिनियस में सेक्शन 182 में बताया पावर टू पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अविधिक है उसको पुलिस अधिकारी को यह पावर दिया गया कि वो उसको सीज कर सकता है, वो कहीं भी हो अगर वहां पर वह अपने ड्यूटी के दरमियान है और उसको पाया जाता है कि वो अनलॉफुल है तो वो उसको सीज करने का पावर उस पुलिस अधिकारी को दिया गया, विशेष पावर दिया गया सेक्शन 102 में। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज सस्पेक्टेड कोई संदिग्ध चीज है या स्टोलन थिंग्स या चोरी की हुई चीजें हैं और उसको मिल जाती गिव रिपोर्ट टू विदाउट डिले। अब उसको मिल जाती है तो मिलने के बाद क्या करेगा, उसको सीज करेगा और बिना देरी किए हुए वो उस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने मतलब जैसे थाना इंचार्ज है, अगर थाना इंचार्ज मतलब इंस्पेक्टर है उसके अंडर में वो व्यक्ति है तो थाना इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा, थाना इंचार्ज मजिस्ट्रेट को करेगा, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया या मजिस्ट्रेट के उसमें है तो तुरंत तत्काल वहां करेगा, मतलब जिसके अंडर में वो व्यक्ति है वहां तुरंत वो उसको करेगा। इफ द थिंग्स कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड, अगर कोई ऐसी चीज उसको मिल जाती सस्पेक्टेड या चोरी की हुई जिसको उठा करके ले नहीं जाया जा सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको तत्काल वहां पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाएगा फिर, या
थाने के प्लेस पे नहीं लाया जा सकता है, तो फिर क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, क्या करेगा, देन पुलिस ऑफिसर गिव ए कस्टडी देयर टू एनी पर्सन एंड टेक बॉन्ड श्योरिटी। तो वहां का जो लोकल व्यक्ति होगा, जो वहां का परमानेंट लोकल व्यक्ति होगा, उसके कस्टडी में वह चीज दे देगा और उससे श्योरिटी करवा लेगा, बॉन्ड ले लेगा कि ये चीज यहाँ पर तुम्हारे संरक्षा में है, तुम्हारे सुरक्षा में, तुम्हारे देखरेख में है, और इसको हमारे जब हम चाहेंगे प्रोड्यूस करेंगे, देंगे, और उसके डॉक्यूमेंट से लेकर के वो अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा, नहीं ले जा सकता है, जिसको ले जा करके वहां से ले नहीं जाया जा सकता, उसकी बात अगर ले जाया जा सकता है तो तुरंत उसको सीज करेगा और अपने उच्च अधिकारी के पास में उसको प्रस्तुत करेगा। इस सेक्शन 102 में कहा गया ऐसी चीजें, जैसे पुलिस रोड पर या कहीं पर किसी चीज को सीज कर देती या ले जाकर के थाने में सीज कर देती, उसको स्पेशल पावर सेक्शन 102 के तहत दिया गया। अब सेक्शन 103 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया कि वो जहां पर संदिग्धता पाई जाए या चोरी की चीज पाई जाए या अनलॉफुल चीजें हो, वहां पर वो स्वयं खड़े होकर के, खुद खड़े होकर के सर्च करवा सकता है। एनी ऑफिसर और मजिस्ट्रेट फॉर ए सर्च टू मीट हिज प्रेजेंस, आप अपनी उपस्थित, अपने खड़े होकर अपने सामने उसको सर्च करवा सकता है। ये मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया सेक्शन 103 में। अब सेक्शन 104 में कहा पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड, अगर इसमें कहा गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे पाए जाते हैं तो उनको वो सीज कर सकता है, उनको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। मजिस्ट्रेट इफ थिंग्स फिट, अगर उसके सामने कोई चीज सर्च की गई और सर्च करने के बाद पाया जाता है कि ये वाकई में ये अनलॉफुल है या चोरी की है, प्रतिबंधित है, तो उसको अगर सोचता है तो फिट है तो उसको सीज करा करके और इम्पाउंड कर लेगा, एंड एनी डॉक्यूमेंट्स और थिंग या कोई भी चीज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको सीज करा करके ले आएगा। अब इसी में ये कहा गया कि इसके पहले जो चीज अपने अंडर में ले ली जाती, कस्टडी में ले ली जाती, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो चीज तुरंत क्षय होने वाली है, नष्ट होने वाली, तो उसको वो सेल कर देगा, उसका पेमेंट जमा करा लेगा। फिर वही नियम आ जाते हैं कि 6 महीना वो कड़ी है तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, 2 साल में क्या करेगा, 1 साल में क्या करेगा, इसके पहले डॉक्यूमेंट आ चुके हैं कि किसी के कस्टडी में है तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है या मजिस्ट्रेट उसको क्या कर सकता है, कब सेल कर सकता है, कब रख सकता है, कब उसको नीलाम कर सकता है, इसके बारे में इसके पहले आ चुका है। तो इसी में कहा गया जब वो चीज उनके कस्टडी में आ गई तो उसको अगर तुरंत छह वाली तो तुरंत सेल करके अमाउंट जमा करेगा, नहीं तो उसी प्रावधान के तहत वो आगे चलेगा। तो इसमें चैप्टर 7 के सेक्शन 196 से सेक्शन 104 के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। ये सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे लेकिन इजी सेक्शंस हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक चैप्टर, एक सेक्शन 105 अभी है, तो हम सेक्शन 105 और फिर चैप्टर 7 का, उसके सेक्शन 105 के कुछ पार्ट्स कर दिए गए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।